नमस्कार, मैं शवीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। बेखौफ बदमाशों ने टीडी कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष को मारी गोली। सुखपुरा थाना क्षेत्र के पटखौली पुलिया के पास बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। दाहिने पीठ व बाएं पैर में लगी गोली। एसटी कॉलेज पर पूर्व में हुई घटना को लेकर एसपी ने जताई आशंका। खबर जनपद बलिया से। सुखपुरा थाना क्षेत्र के पटखौली पुलिया के पास शनिवार की देर शाम बदमाशों ने टीडी कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष को गोली मारकर घायल कर दिया। आसपास के लोगों ने घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने वाराणसी रेफर कर दिया। घटना की जानकारी होते ही सैकड़ों की तादाद में छात्र नेता जिला अस्पताल पहुंच गए। वर्ष 2023 में एससी कॉलेज के पास एक छात्र नेता की हुई हत्या मामले में आरोपी थे और उसी समय से प्रशांत निशाने पर चल रहे थे। खैर, मामला जो भी हो, पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार श्री मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष शिवप्राण सिंह गौतम 30 वर्ष पुत्र बबलू सिंह निवासी हनुमानगंज थाना सुखपुरा जनपद बलिया शनिवार को किसी काम से मुख्यालय आए थे, जहां से देर शाम घर जा रहे थे। जैसे ही सुखपुरा थाना के पटखौलिया पुलिया के पास पहुंचे, बदमाशों ने गोली मार दी, जो दाहिने साइड पीठ और बाएं पैर में जा लगी। गोली मार फरार हो गए। उधर गोली की आवाज सुन दर्जनों की संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से हालत नाजुक देख चिकित्सकों ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। उधर पुलिस अधीक्षक देवरंजन वर्मा पुलिस दल के साथ घटना स्थल का जायजा लिया और मातहतों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस बाबत पुलिस अधीक्षक देवरंजन वर्मा ने बताया कि परिजनों द्वारा तहरीर दी जा रही है, इसके बाद मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आशंका जताई कि एससी कॉलेज पर पूर्व में हुई घटना में छात्र नेता आरोपी था, जिस पर हमला हुआ है। मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सुखपुरा में हनुमानगंज चौकी क्षेत्र में एक शिवप्राण सिंह नाम के एक व्यक्ति को कुछ लोगों ने गोली मार दी। एक गोली उनके पैर में लगी है और एक गोली पीठ में लगी है और इनको डॉक्टर ने बीएचयू रेफर किया है। अभी वो बातचीत कर रहे हैं और इसमें हम लोग परिजनों से तहरीर प्राप्त कर रहे हैं और जो भी इसमें अभियुक्त हैं उन लोगों को चिन्हित करके उन लोगों की हम लोग गिरफ्तारी शीघ्र। क्या कंडीशन है सर? कंडीशन तो अभी ठीक है, उनको बीएचयू रेफर किया गया है, बातचीत वो कर रहे हैं। बाकी ये है कि बीएचयू में भी हमने बात की है ताकि वहाँ पर डॉक्टर को अच्छे से चला। चौकी के सामने ये वारदात हुई है और जो शिवप्राण थे चौकी में आकर लगा रहा था उसी समय मुझे क्या चौकी से थोड़ी दूर पर घटना हुई है, क्योंकि जो मैंने फुटेज देखी है उसमें ये बुलेट पर थे और बुलेट से समझौता कुछ पीछा इनको किए हैं। उसके बाद वो लोगों ने गोली मारी और फिर ये चौकी के अंदर आ गए। तो यहाँ जो पुलिसकर्मी चौकी इंचार्ज थे तुरंत निकल करके बाहर गए, लेकिन तब तक जो भी थे वो शायद फरार हो चुके। परिवार वालों से तहरीर हम लोग ले रहे हैं और तहरीर लेकर के लोग मुकदमा की तैयारी। सर, श्रीपान से जो है पुलिस ने बात भी की, क्या कुछ उन्होंने बताया था? वो अभी जांच का विषय है हम लोगों के पास, वो अभी हम लोग उसमें आगे जांच करके जो आगे हुए साथ तक प्रगति होगी आप लोगों को बताई जा रही है। पार्टी के नेता भी बारे में पूरी जाँच चल रही है, क्योंकि इसके अंदर पूर्व में भी कोई घटना हुई थी जिसके अंदर सिद्धांत मुख्य अभियुक्त थे, एक हत्या की घटना पिछले वर्ष हुई थी। तो इसलिए कई सारे इसमें पहलू है जिससे हम लोग जाँच कर रहे हैं और जो इसमें आगे तथ्य आएंगे उससे आपको अवगत। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए बने रहें भारत मीडिया के साथ।